हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक रियल जानकारी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना खुद का या फिर जो है किसी और का पेंशन जो है सिर्फ आधार कार्ड नंबर की मदद से जो है किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका किस महीने का कितना पेंशन आपके खाते में जमा हुआ है और कहीं आपका पेंशन जो है बंद तो नहीं हो रहा। तो ये सब कुछ जानकारी आप अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने आधार कार्ड नंबर की मदद से। तो ये सब कुछ आप किस तरह से चेक करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको इनके बारे में जो डिटेल्स में जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, या फिर जो है आपके मोबाइल में कोई दूसरा ब्राउज़र है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टाइप करना है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल टाइप करने के बाद इसे सर्च करेंगे, तो इसको हम सर्च कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने फर्स्ट में जो है वेबसाइट आएगी jansoochna.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर जो है आपके सामने राजस्थान सरकार की जो है सभी योजनाएं आ जाती है। तो यहां पर आपको जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जो है आपके सामने फर्स्ट में ऑप्शन है, उससे आप अपने क्षेत्र के सभी लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं, यानी कि जिन जिनको पेंशन मिलती है उन सबकी सूची देख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है आपके सामने स्वयं की पेंशन का विवरण देखे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपके सामने चार ऑप्शन आते हैं, PPO नंबर से आप देख सकते हैं पेंशन, या फिर जो है आधार नंबर से भी देख सकते हैं, या फिर जो है बैंक अकाउंट नंबर से भी देख सकते हैं, या फिर जो आपके पास अगर SRDR नंबर है तो इससे भी आप पेंशन चेक कर सकते हैं। तो हम यहां पर जो है आधार नंबर से पेंशन चेक करेंगे, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर हमें जो है अपना आधार नंबर एंटर कर देना है, और उसके बाद यहां पर खोजे पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर मैं आधार नंबर एंटर करके खोजे पर नंबर पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारे सामने जो है कंप्लीट डिटेल्स आ चुकी है, और यहाँ पर हमने जो है वेरिफिकेशन करवाया था पेंशन का, उसकी जो है डेट यहाँ पर शुरुआत की आ चुकी है। उसके बाद हमने जो है वार्षिक सत्यापन करवाया, उसकी यहाँ पर जो है महीना दे रखा है कि दिसंबर 2020 में हुआ था, और उसके बाद वर्तमान स्थिति यानी कि पेंशन चालू है या नहीं है, तो यहाँ पर रेगुलर पेंशनर दिया हुआ, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी पेंशन जो है बंद हुई है तो यहाँ पर आपको पेंशन स्टॉप डेट मिल जाएगी। उसके बाद कितनी राशि आती है पेंशन की, वो यहाँ पर हमें विवरण मिल जाता है कि 1000 रुपये आती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हम चेक करते हैं कि हमें जो है अभी इस महीने की जो है राशि मिली या नहीं मिली। अभी जो हम चेक कर रहे हैं वो अप्रैल की चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 4/2020 की जो हमें जो है पेंशन मिली थी, हमारे खाते में जमा हुई है 6/5/2020 को, और कितनी राशि जमा हुई 1000। तो इस तरह से जो है आप कंप्लीट विवरण इस अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने आधार कार्ड नंबर की मदद से। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।